शांति है तो ठीक ही। तो अभी क्या एक ही घंटा करना है? यस मैम, 1 ही घंटा कल पेपर है। ठीक है। हाँ 1 ही घंटा करेंगे, ठीक है। 40 मिनट करेंगे, फिर दोबारा जब करेंगे तो 20 मिनट कर लेंगे, ताकि कल 40 मिनट फिर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑफ एन आवर, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा, मेंडेलीज में आप डाल लो हेडिंग, हेडिंग डाल लो। मैंने अभी हेडिंग नहीं डलवाया था, मेंडेलीज डलवाया था। नहीं, तो हाँ डाल दो हेडिंग नया, क्योंकि प्री वाला का हमने पढ़ लिया, सेकंड मेंडेलीज पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये लिख लो, नाम लेते ही स्टार्ट हो गई, जग ओ कोई नहीं, मेंटर। ओके तो अब इनके बारे में पहले देखते हैं बेटा, जॉर्ज जॉन मेंडल के बारे में देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक। यस मैम। तो ये बॉर्न हुए थे, इनका मैं बताती हूँ, बॉर्न का डेट कैसे याद करेंगे। बॉर्न ऑन, डेट आता है क्वेश्चन पूछता है, तो 22 सेकेंड, मतलब 22, और ये 7 और 1822, ठीक है। 22 22 ये याद आपको रहेगा, 7 कैसे याद, यस मैम। 8 में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है। याद रहेगा ना आपको, ये भी याद रहेगा और ये भी याद रहेगा, रहेगा ना। यस मैम, बर्थडे आने वाला है इसका। प्लेस प्लेस ऑफ, मैं दूंगा भेजा के, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ले जब उनके पास होगी, प्लेस ऑफ बर्थ होगा उनका हेन जेन डॉर्फ, ये कहाँ है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रिया, ठीक है। पहले क्या था ऑस्ट्रिया में बेटा, कि काफी मतलब हर चीज की फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए इनका ज्यादा पब्लिकेशन या जो भी सर्च वगैरह जो किए थे काफी नामी वगैरह नहीं हो पाया था, ठीक है। यस मैम। जहाँ पे फैसिलिटीज होगा वहीं पे जाहिर से बात है, कोई भी पेपर वगैरह जो पब्लिश वगैरह करना हो, ठीक है। यहाँ पे उतना पहले, अब पहले जब सोच लो 1822 में क्या होगा, है ना, यस मैम। 8 अगस्त नियन मोनेस्टेरी बर्न ऑस्ट्री, ठीक है, सॉरी क्या किए थे, कंडक्टेड प्लांट प्लांट हाइब्रिड डाइजेशन, ठीक, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, कितना ईयर किए थे बेटा, कुछ आइडिया है। हाँ नो मैम। 7 ईयर, ठीक है। जी एक्सपेरिमेंट इनका जो था प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे, जो पीस पे जो किए थे एक्सपेरिमेंट, 4 7 ईयर, 4 7 ईयर, ठीक है। और कब से कब तक, 1856 से 1863, ठीक है, आता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या क्या था, एक्सपेरी, बारिश हो रहा है वहां पे, मैम बहुत। अरे यार यहाँ से तो कम ही हो रहा होगा,
मैम बहुत हो रहा है, यहाँ तो लैंडस्लाइड हो रहा है। हाँ हाँ बस स्कूल कब बंद होगा वो समझ नहीं आ रहा है। वो नहीं होगा, वो ना मतलब क्या बताए, वो नहीं सकता कुछ भी कर लो। ठीक है, तो गार्डन पी पे किया था, जो कि क्या होता है, एडिबल पी होता है, जो हम लोग मटर खाते हैं, उसका इस साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम यस मैम। सटाइवम। His result result worked in two meetings at Natural History Society, लिख लो जो उनका जहां पे उन्होंने किया था, नेचुरल हिस्ट्री। सारा नाम इम्पोर्टेंट है, बेटा कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। सोसाइटी कहाँ पे, बर्न, जो उनका जगह का मतलब, जहाँ यूरोप में जहाँ वो रह रहे थे वो एरिया है, सोसाइटी का नाम जो भी। अब ये 1865, यस मैम। ठीक है, और पेपर इनका, पेपर टिल्ड लिख लो, पेपर टिल्ड एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, हाइब्रिड कराते हैं ना, ऐसे ही प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, मैम आर्टिफिशियल है ना, तरीके दो प्लांटों के बीच से। में क्या क्रॉसिंग करवाते हैं, जब उससे मो होता है, पेपर को हाइब्रिडाइजेशन, पेपर पब्लिश नहीं, सॉरी मतलब हो गया ना, वहां पे लिखो हेडिंग पेपर पब्लिश एट, हुआ था प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी 1866। हाँ, यस मैम। ताई कब हुए थे, ताई अब उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो सब जानेंगे ना, 84 में। ठीक है, 1884 में इनको हुआ क्या था, कॉरोनिक नेफ्रिटिस। ठीक है, किसकी वजह से मरे थे, कॉरोनिक क्रोनिक होता है, क्रोनिक मतलब जो बहुत पुराना डिजीज होता है। ठीक है, नेफ्रिटिस नेफ्रिटिस से मतलब क्या समझ रही हो, नेफ्रिट से क्या समझती है, नेफ्रॉन, नाम से समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, विदाउट गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन, विदाउट नेफ्रन कहाँ होता है बेटा, यूरिन मैम चैनल, नेफ्रॉन। हाँ यूरिन पड़ा है कि नहीं,
हाँ यस मैम, वही पे बोलने वाली थी, किडनीज हाँ वही कहना के अंदर। फॉर इज वर्क। फिजियोलॉजी पढ़ चुकी हो क्या? कहाँ मैम, पूरी नहीं पढ़ी, नहीं कंप्लीट है वो। पढ़ी। रीडिस्कवरी, अब देखो रीडिस्कवरी हुआ कि क्यों हो रहा है रीडिस्कवरी, क्योंकि वही इनका पेपर वगैरह पब्लिश नहीं हो पाया या कम फैसिलिटीज की वजह से। फिर कई क्या करेंगे, अब उनके ऊपर सर्च करके अपना पेपर पब्लिश कर देंगे। जहाँ पे फैसिलिटीज होगा वो होगा कि नहीं, जैसे कि तुमने कोई यस काम मैम, किया, अब तुम्हारा कहीं पे स्टॉप हो गया, तब तुम्हारे एक्सपेरिमेंट पे दो तीन लोग और वर्क करेंगे, ठीक। अब वो आसानी से हाँ पब्लिश हो गया तो फिर उनका नाम आ जाएगा कि हाँ तुमने किया, तो शुरुआत तुमने किया था बट उसका क्रेडिट दूसरों का नाम ले लोगे, लेंगे। ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवर किया था। इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, यस मैम, सिर्फ फैसिलिटीज की वगैरह वजह से नहीं कर पाए थे, नहीं तो बहुत कुछ कर लेते। चलो एलिस, कौन कौन थे? कॉर्ल कॉर्न्स थे, फर्स्ट कौन थे? ये जो 3 साइंटिस्ट थे ना उनका नाम मैं लिख रही हूँ, ठीक है। सुनाई दे रहा है? यस मैम। ये थे। दूसरा कौन थे? ह्यूगो, ह्यूगो, ह्यूगो डी ब्रिज, नाम सुना होगा तुम, बहुत फेमस है। थर्ड रिच किस पे किया था, वो भी नाम मैं लिख देती हूँ। वॉन प्लस, इन लोगों का नाम बहुत कठिन है यार, ये भी नाम याद रहेगा ना, टी साइलेंट है तो भी चलेगा। विच वॉन, ठीक है। सेंस, ये भी ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ये जो थे ये क्या की थी, मक्का होता ना उसके किए थे, जर्मनी, ये जर्मनी के थे। ऑस्ट्रेलिया मक्के पे किए थे, ठीक है बेटा। और ये थे हॉलैंड के। अब ऑस्ट्रेलिया की कंपेयर में जर्मनी ज्यादा डेवलप था, ठीक है। इवनिंग, इवनिंग ये क्या कहते हैं, पब्लिश्ड इस पेपर इन 1901 फ्लोरा, ठीक है। एक तरह का फ्लोरा है, उस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। लिख लो, रिपब्लिश, जो पीएचडी वगैरह जो साइंटिस्ट होते हैं ना, करते हैं ना, तो ऐसे थोड़े कि वो अपना ही पेपर ही कर रहे हैं, किसी का किया करा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता रहता है कि हाँ उन्होंने इतना काम किया, आगे क्यों इस पर रुक गया, अब आगे तुम इस पर मेहनत करो, देखो अगर निकल गया तो ठीक है, फिर पब्लिश कर दो, है ना। तो यस मैम, किया मतलब तो किसी के मेहनत पे ही आप मेहनत कर रहे हो, आप यूनिक कुछ नहीं कर रहे हो। हाँ मतलब हो गया फ्लोरल, ठीक है। समझ गया। फ्लोरा मतलब वही फूल वगैरह हो जाता है। एक क्या होता है फौना, मतलब वो क्या होता है, ठीक एनिमल है। आगे लिखो, ये याद रखना 19, ठीक है। आगे इसका
इसका ट्रिक लिख लेते हैं, रीडिस्कवर वाला आता है क्वेश्चन, रीडिस्कवर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ठीक है। केमिस्ट्री टेस्ट वाज हॉट, आस्थाना नेट का एग्जाम, नीट का नेट नेट तुम्हारा होता है ना साइंटिस्ट लेवल का होता है जो एमएससी के बाद किया जाता है, नेट मैम, नेट एग्जाम होता है ना बेटा, एनईटी होता है, नेट एनईटी साइंटिस्ट का जो होता है ना साइंटिस्ट लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको बोलते हैं। पेपर दे, पेपर तो देखा कि नहीं? मैं अभी नहीं देखी हूँ, मैं देखना आज, देखूंगी अभी। आपके भतीजे का हो गया, कैसा गया पेपर? हाँ मैंने नहीं देखा है, ये देखो कॉल कॉल हो गया होगा, एग्जाम तो हो गया होगा, 5:30 हो रहा है ना, 5 बजे तक अभी आ जाएगा यार पेपर, उस पे नेट पे अवेलेबल हो जाएगा। अब अगले साल मेरा भतीजा देगा, अगले साल तुम भी तो दोगी। यस मैम, कुछ समझ में आया? आगे मैम, आगे लिखो, अब नया एडिंग डालो। रीजन फॉर नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडेलिस वर्क, मतलब क्या रीजन था जो नॉन रिकॉग्नाइजेशन, मतलब मेंडेलिस ने जो वर्क किया ठीक है उसका किस वजह से, मतलब जो मैंने तुमको बताया ना, मान लो लिमिटेड सर्कुलेशन होगा जर्नल्स का, कम्युनिकेशन का, ये पता होना चाहिए ना। यस मैम, रीजन फॉर नॉन रिकॉग्निशन limited circulation of paper जो publish होता है ठीक है, second communication was not easy, easy था क्या उस समय, होगा नहीं होगा, so his work was not published, for of mathematical tools, ठीक है, mathematical tools की use की होती है, explain bio
was new to the biologist. ठीक है, अब ये मैथमेटिक तरीके से सॉल्व कर रहे थे प्रॉब्लम को, ठीक है? यस मैम। बाकी जो बायोलॉजिस्ट थे उनके लिए तो न्यू होगा कि नहीं होगा? यस मैम होगा। लिख लिया है ना? हाँ मैम लिख ली। He fell into other plant. पहला एक हॉकवीड होता है, लबाव वही अदर प्लांट था, उसपे उन्होंने रिसर्च किया था, उसपे क्या हो गए थे? ठीक है, लबाल लब 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 उसपे भी किया था, इन दोनों पे किया था, बट वो क्या हुए? फेल हुए। उन्होंने फिर इसपे किया था पीस पे, आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसपे हुए थे। He suggested that the pair of factor do not blend. ठीक है, मतलब मिक्स नहीं होता है दोनों फैक्टर, क्या बोल रहे हैं? पेयर मिक्स नहीं होता है, ठीक है? विच वाज क्या था? अनएक्सेप्टेबल था। ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं था, अनएक्सेप्टेबल था बाय हिज कॉम्प्लिकेटर। ठीक है, यस मैम। आगे लिखो, दे होल वर्ल्ड क्या बेटा? नहीं, वाज बिजी इन स्टडी किसमें बिजी था? डार्विनिज्म में। ठीक है, जब ये कर रहे थे उस समय शायद डार्विनिज्म भी कर रहे होंगे, उसमें सभी लोग बिजी थे। नॉट प्रूव एनी फिजिकल problem proof for his factor. ठीक है, अपने factor का कोई भी उन्होंने क्या किया था? प्रूफ नहीं दिया था। हाँ यस मैम। आगे लिखो, heading डालो, reason for success of Mendel. ये तो फेलियर का था रीजन, क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ था, ये था ना? नॉन रिकॉग्नाइज, मतलब जो क्यों किस वजह से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था उनका। तो
देखो ऐड रीजन फोर सक्सेस ऑफ मेंडल ठीक है पहला लिखो पहला लिखो ही कंसीडर्ड ओनली वन और टू कैरेक्टर्स स्टोरीज एट अ टाइम एक टाइम पे उन्होंने एट अ टाइम सेकंड लिखो ये तो सेकंड ही ट्वाइस choice of experimental model कौन सा मॉडल था आइसम सत्यम आइसम सत्यम He used statistic and mathematical, ठीक है mathematical logic to analyze his रिजल्ट फोर्थ लिखो ही केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ हिज डाटा ठीक है एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट लगभग मतलब सही लार्ज सैंपलिंग साइज लार्ज सैंपलिंग साइज गेव credibility to his credibility to his chance to either earn less in large samples is Kavita chance to mean lag raha hai ki tum so kuch of either ek second mein
चांस ऑफ एरर आर लेस लेस इन लार्ज सैंपल्स. ठीक है, ढेर सारे सैंपल में से मतलब एरर का क्या होगा, चांसेस क्या होगा, बहुत कम होगा कि नहीं होगा? यस मैम, होगा होगा ना. सिक्स इक्वल ही फाइव फॉर्मूला फॉर फॉर्म्यूलेट थियोरिटिकली थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन. रिजल्टेड क्या होगा उनका, रिजल्टेड हिज थ्योरी. देन सॉरी रिट्राई रिजल्टेड हिज थ्योरी. ठीक है, फॉर्मूला थियोरेटिकली एक्सप्लेनेशन था उनका, उन्होंने कोशिश किया था. ठीक है, उनकी थ्योरी का जो भी रिजल्ट आया वो किस बेसिस पे था बेटा, थियोरेटिकली था और फॉर्मुलेटेड था. ठीक है, मैं ऐड इन डालो टेक्निक यूज बाय मेंडल, जो उन्होंने टेक्निक यूज किया था, उन्होंने क्या किया था, इमैस्कुलेट. इमैस्कुलेशन मतलब जानती हो क्या होता है? इमेस्कुलेशन क्या होगा बताओ, एंथर जो हम लोग कट कर देते हैं ना, एंथर एंथर जानते. यस मैम, मेल पार्ट फ्लावर का. फ्लावर का कौन सा, फीमेल पार्ट होता है कि मेल पार्ट होता है? मेल 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 है ना. हेलो, ये तुम्हारा मान लो मैं गुड़ाल का फिगर बना दूँ, ऐसे रफली बना दूँ. ठीक है, ये फीमेल का हो गया. स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओवरी होता है. इन तीनों को मिला के क्या बन जाएगा, क्या बोलते हैं? पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? मैं पढ़ी हूँ. बताओ, नहीं पढ़ी हो? पढ़ी हूँ. क्रिस्टल भी बोलते हैं ना इसको. भी बोलते हैं, ठीक है, और कार्पल भी बोलते हैं जिन. ठीक है, और देखो इसमें क्या ऐसे फिगर बना रहता है, ऐसे फ्लावर जैसे बना रहेगा, है ना. सारा तुम बना लो जो भी ऐसे करके, ऐसे मैं रफली बना रही. तो इसमें जो थ्रेड जैसे ऐसे बना रहता है, ऐसे ऐसे बना रहता है ना. यस मैम, ये जो होता है यही एंथर होता है ना. हाँ, एंथर. और ये क्या होता है, फिलामेंट. फिलामेंट ये तुम्हारा मेल पार्ट का हो जाएगा, मेल का होगा. ये फीमेल का होता है, मैं सिर्फ रफली बता रही हूँ, डिटेल में बाद में बताऊंगी. ठीक है, यस मैम. एंथर का यही जो इसको हम मीचते हैं हाथ से, इसको तोड़ के अगर हाथ से क्रश करती हो तो पाउडर जैसे निकलता है ना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोलन हो जाएगा. इसके अंदर क्या हो जाएगा, एंथर के अंदर पोलन, जो पाउडर निकलेगा, पाउडर को ही जो क्रश करती हो. ठीक है, क्रश करती हो तो पोलन, जो पाउडर निकलता है उसको ही हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं. ठीक है, तो वही तो हवा वगैरह से उड़ के जाता है, तो एक प्लांट से दूसरे में जाता है, तो फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उन्होंने जो मटर का लिया था वो क्या, एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों दोनों है. ठीक है, मेल और फीमेल दोनों, तो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना, हो सकता है. बाहर से तो कुछ होगा ना, मान लो एक ही फ्लावर पे है तो वो उसी में, मान लो इसका अंदर इसमें जाकर उड़ के चला गया. ठीक है, तो वो क्लोज था, तो
वो मतलब सेल्फिंग कर, अब हमको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाना है, तो भाई एंथर को मान लो हम कट कर दिए, एंथर को कट करना ही रिमूव कर देना, एंथर को ईमैस्कुलेशन होता है, क्वेश्चन में आता है ईमैस्कुलेशन क्या होता है, और बैगिंग क्या होता है, बैगिंग भी उन्होंने यूज किया था कि उन्होंने कट करके क्या किया था, इतना कवर कर दिया था प्लास्टिक से या कोई भी चीज से कवर कर दिया था, मतलब अनडिजायरेबल मतलब अपने हिसाब से क्रॉस करवाएंगे, कवर कर दिया था। अब हमको क्रॉस कराना है तो वो बैग को हटा के मान लो हम किसी दूसरे फ्लावर का ओवरी से करवा रहे हैं या उसका इसमें जाके एक ही फ्लावर पर कर रहे हैं, अपने हिसाब से जो क्रॉसिंग तुम करवा रही हो, ठीक है, तो जो टेक्निक यूज करते कवर करना प्लास्टिक से या कवर कोई भी चीज से उसको कवर कर देना, वही बैगिंग टेक्निक होता है, ठीक है, समझ में आया? यस मैम, आ गया। ये मैंने रफली बनाया है बेटा।